डॉक्टर को बिग सलूट है, डॉक्टर को सलाम है, हॉस्पिटल में पार्टी करके आज। रब ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े हॉस्पिटल आने की। ये लो, ये सौगात आप अपने पास रखिए। तो जी दाल यहाँ पे बन गई है फर्स्ट क्लास, 10 मिनट में ये दाल बनती है। ठीक है, तैयार पूरा तब करूंगी जब गड़के वड़के ना सब दिला के धनिया वनिया डाल के तब तैयार करूंगी जब ये लोग आने वाले होंगे। और यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, इसको भी फ्रिज में रख दें, 2-3 घंटे अच्छी तरह मैरिनेट रहेगा तो सही रहेगा। तो जी लाडू को लेने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ लेने, 3 बज गए हैं। तो बस इसके स्नैक्स वैक्स तैयार करती हैं। ये देख लो सारा फ्रूट ना रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, सुबह के इसके नट्स है, बादाम भीगे हुए हैं। सुबह तो कुछ ये खाती नहीं ना, बस भागम भाग लगा रहता है और बस स्कूल के लिए निकल जाती है। तो अब आके शाम को मैं खिला देती हूँ इसको ये सब, साथ ही इसका एग बॉयल हो गया है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, फिर आके मैं फटाफट बस सर्व करती हूँ चीजें और भाग जाती हूँ वापस अपने काम पे। तो बस जी चलते हैं, टाइम हो हुआ पड़ा है, आ गई होगी। मनु जी आ गए हैं, डॉक्टर ने अभी तक तो बोला सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर आने वाला है अभी बताने पूरा। गाउन बंद गया था फिर समझ आ गया सर। ओके, ये चाबी को, अच्छा ये लॉकर की होगी जहाँ तूने अपना फोन फान रखा हुआ। ओके, कपड़े एंड फोन, कपड़े जरा उठा के ले जाए कोई, तो ऐसे चल लेंगे गाउन में। गाड़ी ले ही आगे, गाड़ी ले आऊंगा आगे। हाँ वैसे अभी तो गाड़ी आगे लानी पड़ेगी, तू चल नहीं पाएगा दूर तक। कैसी बात है बेटा, तेरे को लग रहा है ऐसा गिर जाएगा तू? इट इज नथिंग। अच्छा, इट इज वेरी इजी। सही में कुछ भी नहीं है। चलो देखो जी, मनु जी हिम्मत वाले बहुत है हमारे। मैं गाड़ी चला के भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, देर अलाउड ही नहीं है, इलीगल है, मेरे को पकड़ लेंगे वो अगर गाड़ी चलाने वाले तो उन्होंने, क्योंकि आई एम हिज डेजिग्नेटेड ड्राइवर। मैं चला के मैं चला जा सकता हूँ। एडमिंटन ले, बातें सुन लो इसकी, नशे में है भी मेरे को लग रहा है भाई, नशे में है तू, नशे में एडमिंटन जाएगा तू। बीपी वगैरह भी सेट है तेरा तो? बीपी सेट है बिल्कुल, 120/73 सब सेट है, पल्स फुल सेट है, हर चीज़, ऑक्सीजन लेवल 95 ना, ये हो गया ऑक्सीजन लेवल, वो बीपी, वो पल्स है, तू तो सेट है तू फुल। अब मेरे को वही दिक्कत, जब से वेट कम हुआ ना, जब सब कुछ सेट आ गया, ये वजन कम करके ना मनु जी ने बड़ा ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। बस रब का शुक्र होए कि सब कुछ, कोई परेशानी ना होए। अभी बताएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, मेरे साथ जो कोई अंकल जी बैठे थे ना सामने, उनसे बात चल रही थी, उनकी वाइफ भी यहाँ पे है, उनकी वाइफ को पिछले साल कैंसर हो गया, इस बार कैंसर था, कोलन कैंसर, उन्होंने अंदर की ट्यूब, अंदर की जो था वो काट के निकाल दिया पूरा कोलन इतना। अंकल जी की क्या एज थी तेरे को पता? दिखने में मैं 70-75 लग रहे होंगे, 90 कहते, मैं फिट एकदम 90 साल का हूँ, बैठे हुए थे अंकल। हमारा पता नहीं क्या होना है, हमारा अभी से इतना बुरा हाल है, हम 70 जी रहे हैं, बड़ी बात है। हमारा पता नहीं क्या हाल होना है सच में, हम तो अभी सही जाना, हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है, मन कह रहा है हम 70 चीज़ें हैं, बड़ी बात है। खाने पे वो डिपेंड, खाने पे डिपेंड करता है बाकी तुम्हारी डाइट पे, और मनु पता है भूखे रहना सही है, ओवर ईट नहीं करो, ओवर ईट, अंडर ईट रखो। हाँ सब कुछ, सारा कलेश है, ज़्यादा खा लेना और हर वेले ना शुगर, उससे शुगर हो जाती है, उसी से सारी बीमारियाँ हैं, खाने से सारी बीमारियाँ। भूखे जड़ा बंदा भूखा है मनु, वो घट बीमार बंदा ही, जड़ा जिसका रजा है वो ज़्यादा बीमार बंदा है, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां ही पेट से मतलब शुरू होती हैं, खाने से, एक्सेस खाने से, ओवर ईटिंग से। तो चलो अब जब समझ आ गई तभी बाकी की जिंदगी अच्छी निकाल लेंगे। लूज तो कर लिया काफी, ने पिछले भी बड़ा वेट लूज किया, मैंने भी बड़ा करा। फाइनली मन्नू का व्रत खुल गया करवा चौथ का। कितने घंटे हो गए मन्नू, कल कितने बजे खाया था? 3 बजे। हाँ 24.5 घंटे, 24.5 घंटे, 2:30 बजे से खाया हुआ कल। और तेरी, चलो जी अब जूस दिया उन्होंने और चीज दिया है साथ में, ये चीज और बिस्किट खा लियो अच्छे से सारा कुछ। बड़ी अच्छी बात ये है, डॉक्टर भी आया था, ये आवाज़ डॉक्टर की आवाज़ आ रही है पीछे से, ये कहता है इसको कुछ नहीं निकला, एंड ही डजंट हैव टू गो एनी डू एनीथिंग, अगले पाँच साल तक फिर से चेक करेंगे 5 साल के बाद। चलो अच्छी बात है, ये लोग चेक कर लेते हैं टाइम से, मनु कुछ हो तो बंदे को पता चल जाए यार, बट लकीली रब्ता बड़ा शुक्र है जी कुछ नहीं निकला। चलो जी चले मिस आर्या कौर को लेने, टाइम हो गया है। मैं एक्चुअली बिल्कुल टाइम पे निकलती हूँ, ना पहले ना बाद में, क्योंकि टाइम होता है कम और सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमारे पास टाइम नहीं होता, इसीलिए बिल्कुल एंड टाइम पे निकलती हूँ, क्योंकि लाडो भी अपनी सहेलियां पहेलियों के साथ ना
आराम से ही निकलती है गप्पे मारते हुए, और हम यहाँ पे स्नो के पहाड़ों के ऊपर से निकलते हुए हुन ते रब साड़ी सुन ले ते सानू हुन बख्श दे। तो जी समर का मौसम आए, रब सुख रखे और सोना सोना वेदर होए और हम गार्डनिंग करें और बाहर ही बाहर रहें, घर में घुसे भी ना। मैं ते बारी बहना है झूले उत्ते लैपटॉप रख के आराम नल सारा दिन रब सुख रखे हम बिताएं अपना समर। इतना शॉर्ट लिव होता है समर कि ना लगता है टाइम ही बहुत जल्दी निकल जाता है। रब सुख रखे इस बार के समर हमारा खुशियां लेके आए और बहुत कुछ होने की उम्मीद है जो आपको आगे के व्लॉग्स में हम बताएंगे। ऐ क्यों वास करदा पे है, ऐ कह रहा है थल्ले ना स्लिपरी है, थोड़ा आराम नल चलो। बड़ी ज्यादा बेल्स एंड विसल्स हैं इस गाड़ी में। ये वीक भी निकल गया है, अब अगले वीक जाना है एक दिन क्योंकि इंडिया जाना है उसके बाद, तो फिर मैं लास्ट बार होऊंगी तो सही रहेगा ऑफिस, फिर अलविदा कर देंगे ऑफिस को भी। लेकिन एक्साइटमेंट बड़ी है इंडिया जाने के लिए। इंडिया जाने के लिए तो हमेशा ही एक्साइटमेंट होती है, इतना अच्छा लगता है कि टाइम लेकिन बहुत जल्दी निकल जाता है अपनों के बीच रह के। मम्मी पापा बड़े एक्साइटेड हैं कि बच्चे आ रहे हैं, तो माँ बाप को तो होता ही है राइट, टाइम लेकिन बहुत छेती लग जाना है। खुशी वाला टाइम हमेशा जल्दी निकल जाता है, तो बस रब सुख रखे हम जाएं इंडिया और भारत से बहुत सारी और नई यादें बना के आए। अब मनु जी खा रहे हैं प्रोटीन बार, कहता है नीचे कैफे में सैंडविच बहुत अच्छा था, वो अच्छा मिलता है खाना बहुत, यहाँ हर चीज होती है, तुम अपना अंदर बढ़ो कैफेटेरिया के जैसे जो जो उठाना है उठाओ, अंदर एंड में पे कर दो। कहता है वो खाना मेरे को सैंडविच थल्ले बताओ, ये इस हॉस्पिटल का ना खाना बहुत अच्छा है। जैक आता था ना जब अपने दोस्तों, कहता था यहाँ का वो चिली और बन वो सब, कहता है यहाँ इतनी स्वाद मिलती है, कहता है बहुत अच्छा मिलता है तो हॉस्पिटल में खाना अच्छा मिलता है, तो कहता है मैं खा के जाऊँगा नीचे सैंडविच। रब का बड़ा शुक्र है जी कि सब कुछ ठीक है, खाना जूस वगैरह पी लिया, कुकीज़ वगैरह खा ली हैं पूरा। तेरी तो डाइटिंग होगी तगड़ी आज पूरे 24 घंटे। सो अब हम जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ, निकल पड़े हैं जी। मनु जी हमारे फिट एंड फाइन, रब का बड़ा शुक्र, और हम लोग अपना जा रहे हैं अब कैफेटेरिया की तरफ। अपना प्रोसीजर डन हो गया सारा, एंड वो एक ना मेरे साथ बैठे हुए थे वेट कर रहे थे अंकल जी, ही वॉज 90 ईयर्स ओल्ड, उनकी वाइफ के लिए आए हुए थे वो, तो उनसे मैं बातें बातें कर रहा था। मनु पागल हो गया कैफेटेरिया में आके, इसने चिकन बर्गर ले लिया और यहाँ देख रहा चीज़ केक। ये देख लो मनु की, इसने कॉफ़ी बर्गर और चीज़ केक। मैंने कहा यार मनु क्यों ले रहा है, कहता है फिर कभी पता नहीं कब आना होगा बताओ, कोई ऐसे बोलते हॉस्पिटल के लिए ना ही आना हो, हॉस्पिटल तो अच्छा है भला, क्यों आना है हॉस्पिटल। अब मनु के लिए भी मैं लाया हुआ था ब्रेड बटर सैंडविच, तो मैं तो खा रहा हूँ अपना वही खाना ही तेरा पड़ा ये खा ले। मनु जी ने अपना व्रत बड़ा सही तरीके से तोड़ा है, बर्गर वर्गर खा के वेरी नाइस, मज़ा आ गया जी। कॉफ़ी एंड ब्रेड बटर था तो मैंने तो खा लिया है, मनु ने अपना खा लिया है, और ना बड़ा अच्छा कैफ़े है ये मॉल कैफ़े। रब ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल आने की, हम तो चाहेंगे स्वस्थ रहे सारे, लेकिन कभी आपका सैस्कटून में हॉस्पिटल में खाने पीने की टेंशन नहीं है, अच्छा कैफ़े है और प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। सिर्फ $10 में मनु को चीज़ केक कॉफ़ी एंड बर्गर, तो मतलब बड़े ही अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का फूड है। आहो मनु, हाँ मनु याद कर रहा है कि जब आइया हुई सी तो असि इतों ही ऊपर जाते थे इधर स्टारबक्स में पीछे कॉफ़ी लेके, कॉफ़ी और मफिन लिया था मैंने ऊपर, मैं तो 3 दिन हॉस्पिटल ही था नेहा के साथ ही। ये रोज का मेन्यू लिखा हुआ है यार, जैक आता है ना मेरा फ्रेंड है वो आता है, वो कभी पास से गुजर रहा होता है ना तो वो लंच करने के लिए रुक जाता है हॉस्पिटल, कहते हैं क्योंकि इतना अच्छे क्वालिटी फूड एट अ बेस्ट प्राइस, तो वो तो कहता है मैं कभी कभी मेरे को बोल रहा था कहते किसी दिन आई टेक यू टू हॉस्पिटल फॉर लंच, मैं कहा यार अब हॉस्पिटल लंच करने कौन जाएगा, तो क्या कहो। चले जी अब आ गए बाहर, हो गया हमारा काम बड़ा फर्स्ट क्लास, अभी पूरे 3 घंटे लगे हैं टोटल आने से जाने में, पार्किंग में टाइम लगे और जल्दी हो जाता, हाँ पार्किंग से और जल्दी हो जाता, प्लस हमारा को ना जो प्रोसीजर है वो तो बड़ा टाइम से हो गया था, हम तो आधा को घंटा 20 मिनट खा भी रहे थे बैठ के, तो आप लगा लो कि ज़्यादा टाइम लगता नहीं, फटाफट ले जाते हैं।
कोई वेटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं, पहुंचते ही ले गए थे अंदर सीधा, 5 मिनट भी नहीं बैठे ऐसी। बस पार्किंग ढूंढना एक समस्या जरूर है, उसके अलावा कुछ भी टाइम नहीं लगा। पहली बार मनु अपनी गाड़ी में साइड में बैठा, उन्हें तो घर लेके चले इसको, क्योंकि ये ड्राइव ऐसे तो ठीक है ये वो कहता, लेकिन कहता मैं ड्राइव कर सकता हूँ लेकिन इट्स इलीगल अभी ड्राइव करवाना इससे। वो कहते हैं कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलनी, कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि यू आर अंडर इन्फ्लुएंस, अभी तुम चला नहीं सकते गाड़ी, तो चले जी घर। अब उन्होंने तो 24 घंटे मना किया है। अच्छा 24 घंटे मना किया है, तो पर तूने तो कल सुबह काम पे भी जाना है। कहते हैं कल को कुछ तूने करता है ड्राइव तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्या ठीक है, वैसे वो तो मेरे को भी कहा था उन्होंने, लेकिन मैं भी अगले दिन से चलानी शुरू हो गया था, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, शुक्र है रब दा, बस वाहेगुरु करे सब ठीक रहे। चले जी अब घर। तो भाई मैंने, मैं घर आ गया हूँ और मैंने भाई को फटाफट घाल दिया कि गाड़ी ठीक करा ले, क्योंकि उसने सूर्य काम पे जाना है। फटाफट यहीं पे बांटी सिल में उसको मिल गया अपॉइंटमेंट, गाड़ी ठीक कराने चला गया वो, और मैं इनके लिए बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। ये लो, ये सौगात आप अपने पास रखिए, हमें नहीं खाना, हमें बस। इतनी तेज चीख मारी है इन्होंने, ये देखो केला। वैसे नेहा बैग में रखने से केला बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, वो हीट हो जाती है ना। हाँ तो ये देख, हवा नहीं लगती, नहीं तो अच्छा वाला था, बहुत साफ था यार। नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं फेंकूंगा नहीं इसको। चार खाओ ना दो प्लीज। आई आइए बेटा, छित्री छित्री वाला ये बेटा, आइए दिस इज योर। मिस्टर कोलोनस्कोपी, एक ही हालत देखो इसकी, हॉस्पिटल में पार्टी करके आया। चिकन बर्गर स्वाद था, मस्त था भाई साहब। चलो चीज केक बड़ा स्वाद था, सिर्फ $3। हाँ बड़ा सस्ता सामान है, कभी चक्कर लगेगा ना, मैं चक्कर मारा हुआ कभी चक्कर लगे, वो देख हॉस्पिटल के चक्कर ना ही लगे तो भाई अच्छा है। जैसे कहे कभी ऊपर चलाते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर पार्टी, वो ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स के लिए ही है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी कोई भी गाड़ी लगाई। हाँ ये भी है। चलो रोटी इधर हमारे टेबल सजी हुई है, ये देखिए, ये है ताजे चावल, ये कल के चावल है जो मैं ले लूंगा, और आर्या का पास्ता, आर्या पास्ता खा रही है, होल व्हीट पास्ता। आर्या पुत्र आजा, पास्ता टाइम। अब रोटी खाएं, हमारी भी तो सादी रोटी है जी, दाल है, दाल नेहा जी ला रही है, मूंग मसर दाल, फेवरेट दाल हमारी। चलो जी ये ले जाओ, लेके जाता हूँ। अब ओवन में भी कुछ बन रहा है, नेहा जी निकाल रही है, मैं इधर के पहले लाइट बंद कर दूँ, लाइट ना बहुत ज्यादा, ये लोग बिल आ जाने। व्हाट्स इन द ओवन? चिकन, तंदूरी चिकन, चिकन है और वेजिटेबल्स हैं, वेजीज। अरे वाह वाजी वाह, वेजिटेबल खाने का बड़ा मजा आता है, ये ना रोस्टेड कहाँ गई, ये वेजिटेबल इतनी बढ़िया मसालेदार होती है, मजा आ जाता है खा के। ये देखो जी मन्नू जी अपना दाल चावल स्टार्ट कर रहे हैं आज, पहले खिचड़ी बनाने लगे थे हम, फिर मैंने कहा दाल चावल वखरा वखरा बना ले जा। अच्छा मुझे बेहोश किया ही नहीं तेरे को, बेहोश मैं कह रहा था, आजकल बेहोश नहीं कर रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं तो सोया ही नहीं मन्नू, मैं तो कूक सुता निकलिया बाहर पूछने को, मैं तो डिजी था, बहुत डिजी था। लाओ जी सब्जियाँ। वैसे मैं सोच रहा था डॉक्टर का भी कितना मतलब मुश्किल काम है, देख ले बेचारे डॉक्टर का भी कितना, इतनी पढ़ाई करके सारा दिन क्या करना जी। तो बेटा अगर यही ना करे ना तो यहीं से इतने ज्यादा मतलब जरूरी काम है कितना, ये भी तो सोचो, मतलब डॉक्टर को बिग सल्यूट है, डॉक्टर को सलाम है, बेचारे इतना काम। बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, वेरी नाइस डॉक्टर, बहुत ही इजी सेटअप, बड़ा आराम से वो कर देते हैं आपके लिए ना, मतलब लेटर में सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कैसे कैसे क्या करना है, और सर्विस बड़ी प्यारी, बड़ा प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो चलो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करना, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड रब दा बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर की आज भाई की कोलोनस्कोपी भी ठीक ठाक हो गई और कुछ भी नहीं निकला उसमें, सो हम हैं उसी बात से हम बड़े खुश हैं। सो आप अपनी दुआएं ऐसी हमारे को बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करें बिना, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर वेट किस बात की है, ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, एंड विल सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।